टाटा मोटर्स ने खुद को भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में अच्छे से स्थापित कर लिया है। फिलहाल ये देश की नंबर वन इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी बनी हुई है। देश में कंपनी के सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा नेक्सन ईवी की सफलता ने इस मुकाम को हासिल करने में काफी अहम भूमिका निभाई है। टाटा अपनी टियागो और टिगोर को भी इलेक्ट्रिक वर्जन में इंडियन मार्केट में बेचती है। हालांकि कंपनी का फोकस अपने ईवी लाइनअप को और ज्यादा विस्तार देने का है और जल्द ही कंपनी की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भी देश में लॉन्च होने वाली है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। 2023 ऑटो एक्सपो में टाटा मोटर्स ने अपनी हैरियर एसयूवी का ईवी वर्जन पेश किया था, जिसे जल्द ही बाजार में लाए जाने की उम्मीद भी की जा रही है। हैरियर ईवी को टाटा के पोर्टफोलियो में नेक्सन ईवी के ऊपर पोजीशन किया जाएगा। वहीं टाटा मोटर्स कथित तौर पर एक और इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने पर विचार कर रही है, जिसे कंपनी अपनी नेक्सन के नीचे प्लेस करेगी। और रिपोर्ट्स की माने तो ये छोटी एसयूवी टाटा पंच का इलेक्ट्रिक अवतार हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा मोटर्स की पंच माइक्रो एसयूवी को 2023 के अंत तक लॉन्च करने की योजना है। टाटा पंच 2 सिग्मा प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा, जो टाटा ऑल्ट्रोज में इस्तेमाल किए गए अल्फा आर्किटेक्चर का एक संशोधित संस्करण है। पंच ईवी को दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ लाए जाने की भी उम्मीद है। एक बैटरी पैक टियागो ईवी की तरह 26 किलोवाट आवर का हो सकता है, वहीं दूसरा नेक्सन ईवी की तरह 30.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक हो सकता है। आपको बता दें कि पंच ईवी से रिलेटेड टाटा मोटर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। हालांकि अगर इसे लॉन्च किया जाता है तो ये भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी हो सकती है, जिसकी अनुमानित कीमत 10 से 14 लाख रुपए के बीच में होगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें।